Hello everyone, I welcome you all to today's lecture. Good evening to all of you. I am Shail and I welcome you all to today's lecture, that is DNA structure lecture 8. And today we will talk about Hoodstein pairing, denaturation of DNA and non-enzymatic transformations. So I welcome you all to today's lecture. Am I audible? Am I visible? Kya koi message kar sakta hai? Prinsu, good evening. Priyanka, good evening. Bhujraj, good evening. Thank you for waiting. Thank you. तो आज हम पढ़ेंगे, मैं अभी दिखाई दे रही हूँ ना आप लोगों को? अभी दिखाई दे रही हूँ ना? Am I visible and audible? Am I visible and audible to all of you? Am I visible? क्या कोई बोल सकता है? Am I visible and audible? Am I visible and audible? क्या मैं दिख रही हूं आप लोगों को? कोई बोल सकता है? Okay, प्रियंका, thank you. तो आज की लेक्चर मैंने फॉर श्योर वॉटसन एंड लेनिंजर से ही लिया है. मैं आपको बता दूंगी कहाँ से लिया. यस स्वाति, थैंक यू. यस प्रियंका, थैंक यू. ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एंड नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज बाय डीएनए, ये सब देखेंगे. उससे पहले ये जो चैनल है अनअकैडमी सीएसआई नेट, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरे क्लास के और दूसरे एजुकेटर्स के क्लास के भी मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल. देन इफ़ यू बाय अनअकैडमी का यूट्यूब पे तो फ्री क्लासेस चलते ही हैं लाइव. इसके अलावा अनअकैडमी का एक ऐप भी है, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड गेट सब्सक्रिप्शन. यू कैन गेट टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक. In plus subscription, you can get these benefits. That is, you can get to know the topics from India's best educators. There will be interactive live classes on the app. तो वो YouTube के classes से अलग होंगे, वो app पे होंगे. आपको basically वहाँ पे क्या होगा, same ही चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा tests और quizzes करने को मिलेंगे. You will get to practice more over there. In Unacademy app, you will get to practice more. जिस वजह से आपकी स्टडी जो है वो बेटर हो जाएगी. प्लस आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मतलब जो पूरा सिलेबस है अनअकैडमी का, उसको टाइम से ख़त्म किया जाएगा. आपको पहले से पूरा प्लान बताया जाएगा. यस इशरत, गुड इवनिंग. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. तो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे प्लस में. आइकॉनिक में इन सब के अलावा आपको क्या फ़ायदा होगा? इसके अलावा आपको फ़ायदा होने वाला है कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं, प्लस पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग क्लासेस. आपके लिए एक 24/7 कोच रहेगा जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करने से. ठीक है, आप हर वेडनेसडे, अभी नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो यू कैन जॉइन इजिली एंड परस्यू योर प्रिपरेशंस फॉर सीएसआई नेट. दीज आर द बेस्ट एजुकेटर्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म इन लाइफ साइंस. यू कैन गेट टू लर्न टॉपिक्स फ्रॉम देम. देन अभी अनअकैडमी एक्सेलरेट एक नया चल रहा है कोर्स. ये एक नया कोर्स है, ये मैथमेटिकल साइंस के लिए है, तो आप अपने फ्रेंड्स को ये सब रेफ़र कर सकते हैं. देन आप ईएमआई में भी सब्सक्रिप्शन का जो फीस है उसको भर सकते हैं. ये सब्सक्रिप्शन के फीस है 12 मंथ्स के. आप 1 मंथ का खरीद सकते हैं, 3, 6 या 12 का खरीद सकते हैं. तो इट विल हेल्प यू ऑल अलॉट. तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास. आज तक हमने क्या क्या पढ़ा, रिकैप कर लेते हैं. एज यूजुअल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था डीएनए का शुगर के बारे में, दैट इज डी शुगर एंड एल शुगर. देन बीटा, अल्फा, प्लस माइनस, स्मॉल डी, स्मॉल एल. फिर हमने सारे फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और राइबोस, इन सबको हावर्ट से फिस्चर में कन्वर्जन सीखा था. फिर हमने फॉस्फोरिक एसिड क्या है देखा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है देखा था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन देखा था. फिर हमने देखा था नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है, फिर नाइट्रोजेनियस बेसिस के टाइप्स क्या हैं, फिर नाइट्रोजेनियस बेसिस के स्ट्रक्चर को याद रखने और ड्रॉ करने के ट्रिक्स देखे थे, उनके केमिकल नेम देखे थे जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में. फिर हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उसका बेसिक्स देखा था.
फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है नाइट्रोजनियस बेस के बीच में वो देखा था, किसके बीच में कितना नाइट्रोजनियस बेस होता है, क्यों होता है उसी प्लेस पे, क्यों ए और सी के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती है, क्यों ए और टी के बीच में ही बॉन्डिंग होती है, हमने ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। देन हमने देखा था एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, देन हमने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज देखे थे, इनके मीनिंग देखे थे जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देन हमने वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग देखा था, फिर हमने देखा था कि डबल हेलिक्स कौन कौन से फोर्सेस की वजह से स्टेबलाइज्ड है, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है हमने देखा था, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखा था इन स्टेबलाइजिंग द डबल हेलिक्स, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था शुगर पकरिंग क्या होता है, फिर टॉटोमेरिज्म क्या होता है, फिर हमने देखा था व्हाट आर द माइनर बेसिस इन डीएनए अलोंग विथ एटीसीजी। एटीसीजी तो मेजर बेसिस है, माइनर बेसिस कौन से हैं, कहाँ हैं और क्यों हैं, सीपीजी आइलैंड क्या होता है, सीजी आइलैंड क्या होता है, फिर हमने देखा था हैंडेडनेस ऑफ डीएनए, फिर बेस फ्लिपिंग क्या है, पीरियोडिसिटी क्या है, पिच ऑफ डीएनए क्या है, फिर डायमीटर ऑफ डीएनए क्या है, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था मेजर और माइनर ग्रुप का। उसके बाद हमने देखा था कि मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप की इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पे कौन से केमिकल कंपोजिशन है, फिर हमने देखा था कि ये बॉन्ड्स हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्रियंका, तुमको चाहिए था ना, ये पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि ये पढ़ने से आज का टॉपिक क्लियर होगा थोड़ा सा। देन हमने कल वॉटसन क्रिक का मॉडल देखा था, फिर हमने देखा था चारगाफ का कंक्लूजन क्या था जिसकी वजह से वॉटसन क्रिक को उस डीएनए का स्ट्रक्चर के लिए क्रेडिट मिला, फिर हमने देखा था ए बी एंड जेड डीएनए क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, सारे चीज़ें हमने ये सब कल कवर की थी। ठीक है आज शुरू करते हैं हम। कल हमने ग्लाइकोसाइलेशन देखा था, सिस एंड सिन एंड एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, ये सारी चीज़ें कल हमने देखी थी। ओके नाउ लेट्स सी। एक दिन एक क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि क्यों मैम, कहाँ गया, हाँ, क्यों डीएनए में जो शुगर है उसके टू प्राइम में ओएच नहीं है और आरएनए में है, ऐसा क्या है डीएनए में कि ओएच नहीं है। उसका आंसर देने के लिए आज थोड़ा सा हम पढ़ रहे हैं ये चीज़, ये डिटेल में कल पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, मतलब डीएनए और आरएनए को बिना एंजाइम को यूज़ किए भी हम इनको ब्रेक कर सकते हैं या इनके कुछ चेंजेस ला सकते हैं इनके स्ट्रक्चर में। तो बेसिकली ये जो स्लाइड है इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाई डीएनए इज़ नॉट हैविंग टू प्राइम ओएच। तो सबसे पहला आंसर है ओके प्रियंका, हाँ तो सबसे पहला आंसर है कि आप जनरली, अगर आपको जनरल कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप आंसर कर सकते हैं टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए बिकॉज इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल एंड इट हैज़ टू बी स्टेबल जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। तो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन स्टेबल रहने के लिए डीएनए को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो बाई रिमूविंग दिस ए ओ फ्रॉम डीएनए, डीएनए बिकम्स मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। ये तो स्टेटमेंट है, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है वो हमको देखना है। ठीक है यहाँ पर देखते हैं, ये डायग्राम है, यहाँ देखिए ये एक आरएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है अब डीएनए स्टेबल है ओएच को ओ हटा देने से, वो चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि आरएनए में ओ होने से नुकसान क्या है। ठीक है तो ये डायग्राम मैंने लेनिंजर से लिया है प्रियंका, आप लेनिंजर में दिखा दूंगी कहाँ से लिया है, आप वहाँ से ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंडर में, वो हम कल कवर करेंगे, मैं आज नहीं कर पाई, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए ये आरएनए है, ठीक है सिंगल स्ट्रैंड है, देखिए चेक कर लीजिए, ये देखिए फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है ये शुगर है, ये बेस है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, देखिए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है, और ये नेक्स्ट शुगर है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ये सेकेंड पोजिशन में टू डैश पोजिशन में ओएच है, ओके क्योंकि ये आरएनए है, तो ये आरएनए मैं देखती हूँ मैम, ओके आप देख लो प्रियंका। ठीक है तो देखिए सेकेंड पोजिशन में आरएनए के ओएच है लेकिन ये डीएनए में नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ये जो आरएनए में जो सेकेंड पोजीशन में ओएच है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। वल्नरेबल मतलब ये आसानी से इसको अल्कलाइन मीडियम में ये टूट जाता है, मतलब आसानी से NaOH के प्रेजेंस में ये टूट जाता है। मैम डीएनए पॉजिटिव है या नेगेटिव, ओके ओवरऑल डीएनए नेगेटिव है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से डीएनए नेगेटिव है। ठीक है तो इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ओके अच्छा देखो वो नेगेटिव है
इसीलिए ही उसको पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड बेसिक न्यूक्लियर जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं उनसे रैप किया जाता है ताकि वो उसका जो नेगेटिवली चार्ज और एसिडिक नेचर है वो चला जाए. इट इज़ अ एसिडिक एंड नेगेटिवली चार्ज प्रिंसिपल. ओके ठीक है. नेगेटिव ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप एंड एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, दोनों की वजह से वो एसिडिक है. अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेसिस की वजह से वो उसको बेसिक होना चाहिए. नाइट्रोजीनियस बेसिस आर बेसिक इन नेचर, ये बात याद रखेंगे. दीज आर लुईस बेसिस. नाइट्रोजीनियस बेसिस आर अवर लुईस बेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजीनियस बेसिस आर लुईस बेसिस. एंड DNA इज एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप एंड नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये जो RNA है इसका जो शुगर है दैट इज हैविंग OH. अगर समझ लीजिए NaOH किसी एनवायरनमेंट में मिल गया इसको, तो क्या होगा इसके साथ? बहुत बुरा होगा. क्या होगा पता है? ये NaOH जो है इट विल ब्रेक डाउन द RNA into this form. मतलब हमारा RNA चेन जो है वो टूट जाएगा. अगर हम यही OH DNA में रखेंगे तो हमारा DNA तो कभी भी टूट सकता है. इससे क्या हो जाएगा? DNA विल बी वल्नरेबल टू ब्रेकेज, जो कि हम रिस्क नहीं ले सकते बिकॉज DNA इज अवर जेनेटिक मटेरियल. कैसे NaOH की वजह से ये टूट जाता है वो चेक कर लेते हैं एक बार. ये क्वेश्चन का आंसर है जो किसी ने बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा था आई विल टेल यू लेटर ऑन, और थोड़ा सा मैंने आंसर करके हिंट देके बता दिया था. देखिए NaOH का जो OH है यहाँ पे है वो, देखिए O नेगेटिवली चार्ज है, Na प्लस एंड OH माइनस. ये जो O है ये माइनस जो है ये O के ऊपर है. ये देखिए ये जो नेगेटिवली चार्ज एनायन है ये वाला, दिस विल अटैक दिस H बिकॉज दिस H इज हैविंग डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव. ऐसा क्यों? क्योंकि OH का जो बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है. हर बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, और आपको पता है कि जब भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनता है और एक एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज़्यादा है दूसरे से, तो क्या होगा? वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज अ टाइप ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. प्रियंका ध्यान से देखो, तुम्हें बॉन्ड्स में डाउट होता है ना, आज हम बॉन्ड्स का एक क्लियर बेसिक डेवलप करेंगे. तो पोलर कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवालेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रही है एटम्स की. देखो कोवालेंट बॉन्ड कब बनता है? जब शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है. और आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है. और ये भी बात याद रखना कि दुनिया का कोई भी बॉन्ड प्योरली आयनिक या प्योरली कोवालेंट नहीं होता है. इसको बोलते हैं फाजेंस रूल. फाजेंस रूल के हिसाब से केमिस्ट्री में एक रूल है, नो बॉन्ड इज कम्प्लीटली आयनिक और नो बॉन्ड इज कम्प्लीटली कोवलेंट, बिकॉज सारे बॉन्ड में थोड़ा सा कोवलेंट और थोड़ा सा आयनिक नेचर होता है. तो वो बात को हम छोड़ देते हैं, अभी हम थोड़ा सा क्लियर बात पढ़ते हैं. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? जैसे कि NaCl आयनिक बॉन्ड है, ठीक है. NaCl में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, ध्यान दो यहाँ पे सभी को, आपको एक क्लियर बॉन्ड का थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट भूल गए हो आप केमिस्ट्री छोड़ने की वजह से, वो याद आ जाएगा. NaCl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ना, दैट इज वेरी वेरी लार्ज. अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है तो पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द फीचर ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है. तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है आप उसका एक लिस्ट बना लीजिए, उनके वैल्यूज चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक वैल्यू होता है, ठीक है. तो जब आयनिक बॉन्ड बनता है, ध्यान से सुनिए, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो दोनों एटम्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से देर इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन देम, देर इज़ नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और आपको पता है बॉन्ड क्यों बनता है? बॉन्ड हमेशा इसलिए बनता है ताकि एक एटम डुएट या ऑक्टेट को सेटिस्फाई कर ले, डील कर ले. हाइड्रोजन और हीलियम को क्या चाहिए? डुएट चाहिए फॉर स्टेबिलिटी. बाकी सबको क्या चाहिए? ऑक्टेट फॉर स्टेबिलिटी. ऑक्टेट मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में 8, डुएट मतलब 2. तो हाइड्रोजन और हीलियम क्यों बॉन्ड बनाता है? कोई भी एटम क्यों बॉन्ड बनाना चाहेगा? बॉन्ड बनाना एक रिलेशन बनाई लेने की तरह हुआ. तो बॉन्ड इसलिए बनता है क्योंकि एक के पास कमी होती है ऑक्टेट से, किसी के पास ज़्यादा होता है ऑक्टेट से. जिसके पास ज़्यादा होता है वो कम वाले को दे देता है, जिसके पास कम होता है वो ज़्यादा वाले से ले लेता है.
यही रूल है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम में इज वेरी वेरी लार्ज, बिकॉज ऑफ विच देर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। और जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो जो एटम देता है इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज कैटायन, जो लेता है दैट इज कॉल्ड एज एनायन, जो देता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो लेता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो आयंस कहाँ बनते हैं? आयंस बनते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का मेजर बॉन्ड क्या है? नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड है कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड जो है ध्यान से देखेंगे दो तरह का है, पोलर कोवालेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड, ठीक है। जो पोलर कोवालेंट बॉन्ड है वो जो दो एटम्स के बीच में बनता है, जैसे कि यहाँ पे OH के बीच में पोलर कोवालेंट बॉन्ड है, पोलर कोवालेंट बॉन्ड तब बनता है जब कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, जब शेयरिंग होती है। और शेयरिंग कब होती है? जब दोनों को कमी है। तो ये क्या करते हैं, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और अपने डुएट को और ऑक्टेट को, यहाँ पे ये डुएट हासिल कर लेता है या ऑक्टेट हासिल कर लेता है शेयरिंग करने के, बल्कि ये दोनों को में ही कमी थी, ठीक है। तो जब कोवालेंट बॉन्ड बनता है तब दोनों को कमी होती है, देयरफॉर दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। पोलर कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लार्ज बट इट इज लेस देन आयनिक बॉन्ड, जो एटम्स आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं उनसे कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम होने की वजह से देर इज नो कंप्लीट ट्रांसफर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर इज शेयरिंग। बट उस शेयरिंग में क्या होता है, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसकी वजह से उसके पास डेल्टा नेगेटिव, मतलब एक माइन्यूट अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप कर जाता है नेगेटिव। और जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर कम है वो उस इलेक्ट्रॉन पैर के ऊपर कुछ पावर नहीं दिखा पाता है, उसके हाथ से वो इलेक्ट्रॉन पैर जा रहा है, जिस वजह से दे डेवलप अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड दे डेवलप अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट डाइपोल्स। इन केस ऑफ पोलर कोवालेंट बॉन्ड वी गेट डाइपोल्स, ये एक पोल है ये एक पोल है, देयरफॉर वी आर गेटिंग डाइपोल्स, ओके। इन नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड्स व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, पहले क्या था, आयोनिक में बहुत ज़्यादा था, पोलर कोवालेंट बॉन्ड में था लेकिन आयोनिक से कम था, लेकिन नॉन पोलर में क्या होता है, होता ही नहीं है आयोनिक डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिस वजह से देर इज अ कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि CH4, CHH, HH, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन देम। तो इस वजह से सी ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ ला पाता है ना एच अपनी तरफ ला पाता है, और इन दोनों के बीच में वो शेयर होता है, ये सी का भी है ये एच का भी है। आयनिक में क्या होता है, Na ले लेता है कम्प्लीटली और Cl दे देता है कम्प्लीटली, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, वैसे OH में क्या होता है, ये भी देता है ये भी देता है, लेकिन वो इक्वली शेयर नहीं करते हैं, O उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज़्यादा रखता है, ज़्यादा पावर दिखाता है, और H अपने तरफ कम रखता है, कम पावर दिखाता है। ये सोसाइटी का भी एक नियम दिखाता है कि जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो अपने पावर को यूज़ करने की कोशिश करता है और कम पावर वाले इंसान को दबाता है, वही यहाँ पर होता है, कहाँ पर, पोलर कोवालेंट बॉन्ड में। तो अब समझ में आया प्रियंका क्या क्या है, आयोनिक बॉन्ड एंड पोलर कोवालेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में आयंस आर डेवलप्ड, पोलर कोवालेंट बॉन्ड डाइपोल्स आर डेवलप्ड, और नॉन पोलर कोवालेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सब? इतना तक क्लियर हुआ आप सबको? हाँ बोलिए तो मैं आगे बढ़ूंगी। Are you all clear till now? Priyanka? Are you all clear? Are you all clear? जल्दी से एक मैसेज कर दो मुझे तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे अभी तक जो बॉन्ड के बारे, और भी है बॉन्ड्स के बारे में बहुत कुछ, ये तो एक छोटी सी बात है। क्या ये क्लियर है आप सबको? तो मैं ये वाला डायग्राम समझाऊंगी, क्या ये आप सबको क्लियर है? यस ओके लेट्स प्रोसीड देन। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
जब भी आरएनए किसी एल्कलाइन मीडियम में जाता है या एल्कलाइन मीडियम आ जाता है, बेचारा आरएनए टूट जाता है, ठीक है। अगर यही डीएनए के साथ होना स्टार्ट हो जाए तो सोचो क्या होगा। और सेल में कभी एल्कलाइन मीडियम नहीं आएगा, इसकी गारंटी कौन लेता है। इसलिए डीएनए क्या करता है, बेटर वो सोचता है, जिस वजह से आरएनए टूट गया वो डर जाता है उसको देख के, वो क्या करता है अपने आप को ही चेंज कर लेता है, क्यों मैं ऐसा रहूं कि क्यों मैं टूटूं, ठीक है। क्या होता है देखिए, ये एनओएच का जो ओएच है दैट अटैक्स दिस एच, क्यों इस एच को अटैक करता है, क्योंकि दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव और ये नेगेटिव है, ये इसके ऊपर अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, देखो ये बेचारे का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, ये बेचारा पावरलेस है और इसका इस बॉन्ड में कोई रोल भी नहीं है, तो आसानी से इसको वो अपने साथ ले जा सकता है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे अटैक करता है, डन। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे अटैक करता है कि ये जो है, ये जो जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ, ये नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जो है ये इसके ऊपर अटैक करता है, फॉस्फेट के ऊपर। अब ये फॉस्फेट के ऊपर जब अटैक करता है तब क्या होता है, ये जो है फॉस्फेट, ये टेंडेंसी हो जाती है इसकी, देखिए OH ने इसके ऊपर अटैक किया, OH चाहता है कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊं और मैं H2O बन के चला जाऊं, ठीक है, ये चाहता है, ठीक है। अब ये जो O बच जाता है, अब ये क्या चाहता है, ये तो अनस्टेबल हो गया बेचारा, अब ये क्या करेगा, ये आसपास में ढूंढेगा किसी को, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर क्यों अटैक किया, ऑलरेडी सारे इसके पास जो O है वो डेल्टा नेगेटिव होके बैठे हैं, वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। अब ये जो फॉस्फेट है, ये O चाहेगा मेरे साथ बॉन्ड बना ले और मुझे स्टेबल कर दे। अब फॉस्फेट जो है उसकी वैलेंसी चार ही है, चार बॉन्ड बना सकता है, देखो यहाँ पे चार है ना, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, हाँ पाँच ही बॉन्ड बना सकता है फॉस्फेट। ये O चाह रहा है कि तू मेरे साथ बॉन्ड बना ले, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फॉस्फेट को O जो है वो बहुत फोर्स कर रहा है। अब वो फॉस्फेट क्या करेगा, ये जो है फॉस्फेट ये क्या करेगा, O के साथ बॉन्ड बनाएगा लेकिन अपने किसी बॉन्ड को तोड़ने पे मजबूर हो जाएगा। वो क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देता है और उसके साथ चला जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला O, ये वाला O, ये वाला P, ये वाला P, ये वाला O माइनस, ये वाला O माइनस, ये वाला O, ये वाला O एंड ये वाला O, ये वाला O और यहाँ पर OH होके यहाँ से टूट गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब ये जो है, ये बहुत लंबा आरएनए था, ठीक है, ये लंबा आरएनए से इतना टूट के नीचे चला गया, तो ये टूटा हुआ पोर्शन है और ये वाले का नाम है 2-3, 2-2'3' साइक्लिक मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव। देखो नहीं है क्या, 2'3' और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव, क्योंकि ये एक लंबा आरएनए था, ठीक है, यहाँ से टूट गया, ये अलग हो गया, ये नीचे का आरएनए अलग हो गया, ये ऊपर का जो है दैट इज 2'3' साइक्लिक मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव, ये एक फॉस्फेट इसके साथ रहेगा। इस वजह से आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल नहीं लेते हैं और इस वजह से आरएनए और डीएनए में डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस इज 2'OH इन आरएनए एंड 2'H इन डीएनए। ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी आरएनए और डीएनए में कोई आपको डिफरेंस पूछेगा तो कभी ये मत बोलना कि आरएनए और डीएनए में डिफरेंस हो गया, यूरासिल और थाइमिन, दैट इज बचकाना, था वो बचकाना, बच्चे बात करते हैं वो 11th 12th के, आप क्या बोलेंगे, 2'OH एंड 2'H, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आई होप आई एम क्लियर। ये डायग्राम को और एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलिए, जस्ट चेक एंड टेल मी कि आप सब समझ गए कि नहीं। आप बता दीजिए कि आप सब समझे हैं कि नहीं। तो मैं अब आगे बढ़ूंगी। और इसको नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं, यहाँ पे NaOH की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें और हैं, हम आज डीएमिनेशन और एक दो चीज देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके प्रिंसिपल, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और मैं दे रही हूँ कि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, देख लीजिए। 50 न्यूक्लियोटाइड्स अगर होंगे दैट इज कॉल्ड एज ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, 50 से कम यानी कि 1 से लेके 50 तक होने से ऑलिगो, ग्रेटर देन 50 होने से पॉली। ये मैंने प्रोटीन में भी आपको बताया था, ठीक है, प्रोटीन में भी
50 से ग्रेटर देन होने से पॉलीपेप्टाइड, 50 तक पेप्टाइड, ठीक है। तो ये डीएनए और आरएनए का एक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कुछ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में से एक रिएक्शन है डीएमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेशन होने से साइटोसिन क्या बन जाता है, मिथाइल साइटोसिन क्या बन जाता है। ये नाम याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बन जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थायमिन, हाइपोजैंथिन, जैंथिन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। यहाँ पे तो था नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। इसमें आज हम सिर्फ डीएमिनेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा डीप्यूरिनेशन है, ये आपको डीएनए रिपेयर सिस्टम का थोड़ा याद दिला देगा, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यूवी रे इंड्यूस्ड कुछ चेंजेस भी हैं, ये सब हम कल देखेंगे, आज डीएमिनेशन देख के आगे बढ़ेंगे। डीएमिनेशन मतलब नाम तो आपको पता चल गया होगा कि अमाइन ग्रुप जो है अमीनो ग्रुप वो हटेगा। तो ये वाला चीज से, ये मैंने खाली डीएमिनेशन आज क्यों रखा, क्योंकि इससे एक और आंसर मिल जाएगा व्हाई डीएनए हैज थाइमिन एंड आरएनए हैज यूरासिल। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, जिस तरह से ये वाला क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मैंने ये पॉइंट निकाला था, वैसे ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा व्हाई डीएनए हैज थाइमिन एंड आरएनए हैज यूरासिल। कोई इसका आंसर जानता है या मैं बताऊँ? यस पूजा, गुड इवनिंग। कोई जानता है इसका आंसर, कभी किसने सोचा है? सोचा तो श्योर होगा कि क्यों ऐसा होता है, बताइए। ये सेकेंड आंसर करने के लिए व्हाई डीएनए हैज थाइमिन एंड आरएनए हैज यूरासिल, वी आर टॉकिंग अबाउट डीएमिनेशन एंड दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, बट दिस इज नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन। दिस इज नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन और पिरिमिडिन, बट दैट वॉज नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और भी नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स है, वी विल टॉक अबाउट दैट, बट लेट मी आंसर व्हाई डीएनए हैज थाइमिन एंड आरएनए हैज यूरासिल। ओके पूजा, अनस्टेबल यूरासिल, ओके ठीक है, हम उसका आंसर ढूंढते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ डायग्राम में आपको सब समझ में आ जाएगा। कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ चल रहा है? हाँ देखिए, साइटोसिन, ये हमारा साइटोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। साइटोसिन में क्या होता है, डीएमिनेशन के टाइम में जो अमीनो ग्रुप होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल। देखिए NH2 जो है वो अब सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था उसको सिंगल बॉन्ड ड्यू टू इवोल्यूशन हो जा। ओके लेट्स सी, देखते हैं आंसर क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड N था, NH2 था, क्योंकि ये NH2 चला गया इसलिए ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको सिंगल बॉन्ड को फिर सेटिस्फाई करने के लिए NH हो गया और यहाँ पे आ गया कार्बोनिल कार्बन। तो साइटोसिन अगर डीएमिनेट करेगा, मतलब उसका अमीनो ग्रुप अगर हटेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू यूरासिल। यहाँ पे आपका आंसर है, जो आपका क्वेश्चन है इशरत, बिकॉज इफ सिस्टीन अंडरगोज डीएमिनेशन, यस दैट इज द आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर है, साइटोसिन जो है वो डीएमिनेशन होकर यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात याद रखेंगे। साइटोसिन कन्वर्ट्स इनटू यूरासिल बिकॉज ऑफ डीएमिनेशन, ठीक है, ये बात को दिमाग में अभी बिठा लीजिए। साइटोसिन अंडरगोज डीएमिनेशन टू फॉर्म यूरासिल, साइटोसिन अंडरगोज डीएमिनेशन टू फॉर्म यूरासिल। याद रखने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि साइटोसिन में डीएमिनेशन का मतलब क्या है, कि साइटोसिन का अमीनो ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह पे सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड आने से यूरासिल का स्ट्रक्चर और साइटोसिन का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। देखिए साइटोसिन और यूरासिल में डिफरेंस क्या है, इतना ही तो डिफरेंस है कि यूरासिल में ये क्या है, सिक्स कार्बन है, सिक्स कार्बन हमारा कार्बोनिल है, और साइटोसिन में सिक्स कार्बन में अमीनो ग्रुप लगा है। तो जो साइटोसिन है आफ्टर डीएमिनेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरासिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर है कि क्यों ऐसा होता है। देखिए साइटोसिन अगर डीएमिनेशन करके बाय चांस यूरासिल में कन्वर्ट हो गया, तो हमारा डीएनए क्या हो गया, खराब हो गया, क्योंकि साइटोसिन किसके साथ अटैच्ड है, ग्वानिन के साथ, तीन डबल बॉन्ड के साथ में। अगर साइटोसिन यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होना होगा, फिर ग्वानिन को भी हटना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड टी।
तो सी अगर यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो सी जो जी के साथ लगा था अब उस यू को टी के साथ लगना पड़ेगा। तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो डीएनए जो है उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा, वो जो काम करना चाहिए जो प्रोटीन्स उससे बनना चाहिए वो नहीं बनेंगे। दैट विल लीड टू डीएनए क्या बोल सकते हैं, रिपेयर जो करना पड़ता है डीएनए को। तो क्यों करना पड़ता है? डीएनए का स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज बदल गए, अब हमारे इस बॉडी सेल में क्या होगा, डीएनए रिपेयर सिस्टम जो है दैट विल गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, डीएनए रिपेयर एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल सर्च फॉर द प्रॉब्लम। तो उनको क्या दिखेगा कि साइटोसिन तो यूरासिल में कन्वर्ट हो गया और डीएनए में तो यूरासिल इज नॉट पॉसिबल, वो फिर से इसको साइटोसिन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हर जगह पे डीएनए में हम थायमिन की जगह पे यूरासिल रखते, जैसे डीएनए में क्या है, थायमिन है, क्योंकि डीएनए में थायमिन है इसलिए जो डीएनए रिपेयर एंजाइम्स हैं वो आसानी से यूरासिल जो कि नहीं होना चाहिए डीएनए में क्यों आया पहचान लेते हैं और फिर से उसको तोड़ के वापस यानी उसके ऊपर काम करके उसको साइटोसिन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर डीएनए में यूरासिल नॉर्मली भी होता तो क्या वो एंजाइम पहचान पाता कि ये डीएनए का प्रॉब्लम है या डीएनए का नॉर्मेलिटी है? क्योंकि वो एंजाइम को पहचानना है कि ये प्रॉब्लम है इसीलिए डीएनए क्या करता है, नॉर्मल यूरासिल रखता ही नहीं है। क्योंकि अगर यूरासिल नॉर्मली भी होता तो अगर साइटोसिन में जहाँ पे यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता वो एंजाइम को पता ही नहीं चलता कि दिस इज़ अबनॉर्मेलिटी, वो सोचता कि ये तो नॉर्मल है, वो इसको ठीक नहीं करता। लेकिन क्योंकि डीएनए में नॉर्मली यूरासिल नहीं रहता है इसीलिए अगर उसने एक यूरासिल डिटेक्ट कर लिया वो तुरंत उसको कन्वर्ट करके वापस से साइटोसिन में कन्वर्ट कर देता है और ग्वानिन रहता ही है वहाँ पे, वो टी में कन्वर्ट होने का उसको चांस ही नहीं मिलता है। लेकिन अगर यूरासिल नॉर्मली प्रेजेंट होता डीएनए में तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। एम आई क्लियर एवरीवन? आप लोगों को समझ में आया ये चीज? यस पूजा, ये इवोल्यूशन से ही हुआ है, धीरे धीरे करके ये चेंजेस आया है क्योंकि हमें डीएनए को बहुत ज्यादा स्टेबल रखने की जरूरत है और डीएनए स्टेबल तभी होगा जब उसमें ये सारी चेंजेस हम लाएंगे, नहीं तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाएगा। ओके श्रद्ध, ओके लेट्स प्रोसीड। तो साइटोसिन डीएमिनेशन करके यूरासिल हो जाता है। अब 5-methyl साइटोसिन क्या है, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज अ माइनर बेस इन डीएनए प्रेजेंट इन सीपीजी और सीजी आइलैंड। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी सीजी है वहाँ पे सी में मिथाइल ऐड कर दिया जाता है ताकि डीएनए क्या हो सके, डीएनए का हम जीन साइलेंसिंग कर सके, ये मैं समझाई थी। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ, यस प्रिंसु, दिस इज़ अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड बेस और माइनर बेस। तो 5-methyl साइटोसिन अगर डीएमिनेशन कर जाता है तो वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात याद रखना है। साइटोसिन कन्वर्ट होता है यूरासिल में, 5-methyl साइटोसिन कन्वर्ट हो जाता है थाइमिन में, एडेनाइन डीएमिनेशन से कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजैंथिन में, ये इंपॉर्टेंट है, एंड ग्वानिन कन्वर्ट हो जाता है जैंथिन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि डीएमिनेशन होने से कौन कौन से स्पीशीज बनते हैं। तो साइटोसिन डीएमिनेशन होने से यूरासिल, 5-methyl साइटोसिन डीएमिनेशन होने से थाइमिन, एडेनाइन डीएमिनेशन होने से हाइपोजैंथिन, एंड ग्वानिन डीएमिनेशन होने से जैंथिन, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब मैंने एक और बात आपको बताई थी, आरएनए में आइनोसिन होता है, आइनोसिन इज अ हाइपोजैंथिन, ये मैंने बताया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया, डीएमिनेशन का प्रोसेस समझ में आया कि कभी कभी डीएनए में बिना एंजाइम्स के इन्वॉल्व हुए भी कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इसी के लिए डीएनए रिपेयर करना ज़रूरी है। और इसी के पीछे हमें पता चला कि डीएमिनेशन नाम का एक प्रोसेस चलता है डीएनए में जिसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है लेकिन चेंजेस आ जाते हैं। पहले देखा था कि आरएनए में को तोड़ने के लिए एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, बस एक मीडियम होने से वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह से डीएनए में प्यूरिंस एंड पैरिमिडिन्स जो हैं डीएनए आरएनए दोनों में, दे विल कन्वर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन इनटू सर्टेन स्पीशीज। इस वजह से डीएनए में अनस्टेबिलिटी आ जाती है और हमें उसको रिपेयर करना पड़ता है। इसके अलावा डीप यूरिनेशन भी एक टॉपिक है विच ऑल्सो कम्स अंडर नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यूवी रे इंड्यूस्ड चेंजेस, ये सारी चीज़ें कल हम पढ़ेंगे, जिससे आप डीएनए रिपेयर जब पढ़ने बैठेंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़े, हम आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइपोक्रोमिसिटी, ये सब अब देखेंगे।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक आगे बढ़े, आगे बढ़े। मघेश कुमार, मैम प्लीज टॉक इंग्लिश मैम। ओके, आई कैन टॉक इन इंग्लिश बट कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, आई ट्राई टू टॉक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। लेट्स सी, सो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ डीएनए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंजाइम्स, बिना एंजाइम्स के इन्वॉल्व हुए, देयर विल बी सम चेंजेस, दे आर ड्यू टू सर्कमस्टांसिस और सिचुएशंस। Some situations arise or some problems arise because of which certain changes in DNA and RNA can take place. ठीक है, तो RNA में क्या होता है, because of alkaline medium RNA breaks. क्यों? क्योंकि the NaOH attacks 2' OH and converts RNA and breaks down RNA. Okay, but in case of DNA, there is no 2' OH. So what happens? The NaOH cannot attack DNA and break down. Okay. The second thing which we saw today is the second type of non-enzymatic transformation. That is deamination. In deamination, what happens? The purines and pyrimidines, their amino groups are removed. Unke amino group hat jate hain and uski jagah pe carbonyl carbon aa jata hai. बिकॉज ऑफ विच वॉट हैपन्स कि वो जो अमीनो ग्रुप की जगह पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, बिकॉज ऑफ दैट द प्यूरिन्स और पिरीमिडिन्स दे गेट कन्वर्टेड, यहाँ पे देखिए दे गेट कन्वर्टेड इन टू सम अदर फॉर्म्स, बिकॉज ऑफ विच ऑल्सो प्रॉब्लम्स अराइज, लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल एग्जाम्पल इज द कन्वर्जन और डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन इन टू यूरासिल। सो साइटोसिन वेन अंडरगोज डीएमिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू यूरासिल। ओके, now if the cytosines of DNA get converted into uracil, what will happen? The DNA repair mechanism will get activated. The enzymes, there are certain enzymes, they will come and check for the problem. What will happen then? Suddenly they will see there are uracils present in the DNA, which is uncommon. There is no uracil in DNA. They will detect it and certainly they will convert that uracil back to cytosine, as a result of which previously there was this kind of pairing. Because of this deamination, this may get converted into this type of pairing, CG may get converted into UT, but due to those enzymes the problem is solved, as a result of which CG pairing remains. Okay, now if DNA would have uracil normally, what will happen? The enzymes will not be able to detect new uracils incorporated in place of cytosine, as a result of which DNA will remain damaged and no repair work can take place, as a result of which the DNA avoids uracil. Normally, ये बात याद रखेंगे, normally ऐसा होता है कि uracil नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि uracil किसी भी DNA में इस दुनिया में नहीं है, होता है, but normally DNA में uracil नहीं होता है। हम ऐसा भी हो सकता है artificially बना सके, we can prepare such DNA molecules where uracil can be incorporated, so don't think this as the difference between DNA and RNA. I have told you already, the difference between DNA and RNA is DNA sugar has 2' H and RNA sugar has 2' OH. This is the difference. Okay, now let's proceed. Denaturation and renaturation of DNA. Denaturation and renaturation of DNA ka matlab kya hota hai? Denaturation of DNA ka matlab hota hai, DNA double-stranded is a double-stranded molecule. What will happen if it gets converted or broken down into single stranded, and when it will happen, and can this process be reversed? मतलब DNA double strand जो है, क्या वो single strand में convert हो सकता है? और अगर वो single strand में convert हो गया, तो क्या वो वापस से double strand में convert हो सकता है? Yes, हो सकता है. DNA can be denatured and it can be renatured. जिस तरह से enzymes होते हैं हमारी body में. Enzymes have an optimum temperature and optimum pH. That means they have a range of temperature and pH in which they are active. Beyond that range, they are inactive. क्योंकि enzymes क्या है? Proteins हैं. तो proteins जो हैं वो एक particular temperature और pH में ही काम करते हैं. उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं. अच्छा, आपने ये देखा होगा, जब हमें बुखार आता है तो हमें खाना पीना अच्छा नहीं लगता. ये तो सबने देखा होगा.
We don't like food when we are sick or when we have fever. We don't like food, we don't like eating. क्यों ऐसा क्यों होता है? बुखार होने से क्या होता है? Excuse me. बुखार होने से क्या हो जाता है? बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है. द बॉडी टेम्परेचर राइजेस बियॉन्ड द नॉर्मल कंडीशन. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे गेट डीनेचर्ड, दे गेट इनएक्टिवेटेड. उस वजह से क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना बंद कर देता है. तो खाना खाने का मन नहीं होता, क्योंकि खाना खाने के बाद भी इवन इफ यू टेक फूड, दैट फूड वॉन्ट बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली. ठीक है, तो ऐसा हर बायोमोलिक्यूल के साथ में होता है. रिमेंबर दिस, एवरी बायोमोलिक्यूल हैज़ एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच. ऑप्टिमम मीन्स द कंफर्टेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, बियॉन्ड विच इट कैनॉट वर्क. ठीक है, सिमिलरली डीएनए ऑल्सो. अगर डीएनए को हम एक ग्लास कंटेनर में लेंगे, समझ लीजिए एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें डीएनए का सोल्यूशन है और उसको हीट किया. इफ वी हीट इट एंड इफ वी हीट इट बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, द डबल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर गोइंग टू ब्रेक इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स. एंड अगर टेम्परेचर कम कर देंगे, इफ वी लोअर डाउन द टेम्परेचर, व्हाट विल हैपन, द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन अगेन कम टुगेदर. द वर्ड इज कॉल्ड एज रीएनील, रीएनील, एंड अगेन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कैन कट कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड. So this is called as denaturation and renaturation of DNA. Reanneal means what happens? Reanneal means they can again from single strands they can convert into double strands. ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ऐसा होता क्यों है. क्योंकि DNA के दोनों strand के बीच में कौन से bond है? By the help of which bonds the DNA, the two strands of DNA are bonded together, are present together. कौन बता सकता है? जल्दी 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 आंसर कीजिए. किस बॉन्ड की वजह से दो स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आपस में मिले हैं? विच बॉन्ड्स ऑफ डीएनए होल्ड द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर? जल्दी 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 आंसर कीजिए. सोचिए हम क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो मैं आपको पूछूंगी तो आप मुंह बंद करके तो नहीं बैठेंगे ना, आंसर करेंगे. जल्दी जल्दी नेम द बॉन्ड विच होल्ड्स द टू स्ट्रैंड्स टुगेदर. यस, हाइड्रोजन बॉन्ड. यस यस यस, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बनता है, आपको मैंने बताया था, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच वन मॉलिक्यूल शुड हैव हाइड्रोजन अटैच्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ओ एन एफ एंड द अदर मॉलिक्यूल शुड हैव वन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like O, N or F with lone pair of electron attached with any atom. ये मैंने बताया था ना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन का क्या प्रिंसिपल है. दो मॉलिक्यूल, मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड बताना बहुत बार पड़ता है, इसका आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना जरूरी है. वॉट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इन विच वन मॉलिक्यूल शुड हैव वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैन हाइड्रोजन लाइक ओ एन एंड एफ. And the other atom should have, the other molecule should have one electronegative atom like O, N or F attached with any other atom having lone pair of electron. So hydrogen bond can take place or hydrogen bond interaction can take place. And in that क्या होता है, ये जो hydrogen है it will feel attracted towards this lone pair of electron. यही hydrogen bond है. मैंने आपको बताया था hydrogen bond bond नहीं है. hydrogen bond क्या है? Hydrogen bond is an interaction between two molecules in which one molecule is having hydrogen attached with either O, N or F and the other molecule should have O, N or F attached with any atom having lone pair of electron. For example, HF and H2O, like HCl and H2O, like H2O and H2O. H2O and H2O mein kya hai? Yahan pe H hai. H is attached with an electronegative atom. एंड यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर है और वो किसी से भी अटैच्ड हो तो फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर. द सेकेंड मॉलिक्यूल शुड ओनली, द थिंग दैट मैटर्स विद द सेकेंड मॉलिक्यूल इज द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब वो किससे अटैच है डज नॉट मैटर, वो एच से अटैच हो सकता है, सी से अटैच हो सकता है, किसी से भी अटैच होता है. लेकिन जो पहला मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है और वो जिससे अटैच हो वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है. और जो दूसरा एटम है
वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना उसमें एक जरूरी है और लोन पेयर होना जरूरी है और वो किसी से भी अटैच होने से चलेगा तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक टाइप का नॉन कोवालेंट बॉन्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोवालेंट बॉन्ड में क्या होता है, देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो दिस इज अ नॉन कोवालेंट फोर्स। ठीक है, मैंने कोवालेंट बॉन्ड का एक लिस्ट स्लाइड में रखा है, मैं आपको बता दूंगी, अभी के लिए एग्जाम्पल बता देती हूँ। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर कोवालेंट बॉन्ड्स, द एग्जाम्पल ऑफ मेजर कोवालेंट बॉन्ड्स आर पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, देन और क्या है, और है दो चार, चार है टोटल, मैंने स्लाइड में रखा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ नॉन कोवालेंट बॉन्ड विच इज वेरी वीक, सो इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन। बस ये बात याद रखना, इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन बिकॉज ऑफ विच द DNA कैन बी डीनेचर्ड इफ वी हीट इट बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए, द टू स्ट्रैंड्स कुड कम अपार्ट इजिली, द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स सजेस्ट, हाँ वो आसानी से टूट जाता है कब, 100 डिग्री के आसपास में हीट करने की वजह से और या हाई पीएच देने से वजह से। मैंने आपको बताया था एक टेम्परेचर और पीएच होता है, अगर उसे हम क्रॉस कर देंगे तो कोई भी बायोमोलिक्यूल टूट जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल ये टूट जाता है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस, समझ लो स्पीशीज ए से डीएनए आया एंड स्पीशीज बी से एक डीएनए आया। ठीक है, यहाँ पे एक फोटो है, देखिए आप सैंपल वन एंड सैंपल टू, दिस सैंपल वन इज हैविंग डीएनए फ्रॉम स्पीशीज वन, दिस इज हैविंग फ्रॉम स्पीशीज टू, लेट्स सपोज दिस इज हैविंग फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड दिस इज हैविंग फ्रॉम डॉग्स। We have heated it at 100 degree Celsius. Now what we have done? We have cooled it down. हम इसको cool कर दिए, mix कर दिए, जिससे यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हमें hybrids मिले। This process is called as hybridization. What do you mean by hybridization? Hybridization means the things, two things of different sources come together and get mixed. तो यहाँ पे देखिए, ये हाइब्रिड नहीं है बट ये हाइब्रिड है, ब्लू रेड, जो भी ब्लू रेड मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं दे आर हाइब्रिड्स। तो डीएनए डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन को यूज करके हम हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टेक्निक्स डेवलप की थी, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग एंड डीएनए माइक्रो एनालिसिस। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को ही पास में ले आके स्टडी करते हैं। डीएनए माइक्रो एनालिसिस एरे एनालिसिस में भी यही होता है, एक चिप होता है जिसमें छोटे छोटे ऐसे डिप्रेशन होते हैं और उसमें ऑलरेडी डीएनए एक बाइंड किया हुआ रहता है, एक सोर्स से दूसरे सोर्स से डीएनए उसके ऊपर डाला जाता है और अगर वो हाइब्रिड अगर वो मिल गए तो हम सोचते हैं कि एक ही स्पीसीज का है। इस तरह से माइक्रो एरे एनालिसिस एंड सदर्न ब्लॉटिंग मेथड्स इन दो कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं, क्या क्या, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अच्छा, ये भी याद रखना, लाइकवाइज हाइब्रिड्स कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। हाइब्रिड सिर्फ डीएनए एंड डीएनए का नहीं बनता है, हाइब्रिड डीएनए एंड आरएनए का भी बन सकता है। हाइब्रिड बनने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट पेयरिंग हो, हाइब्रिड बनने का मतलब थोड़ा बहुत अनपेयर्ड एरिया रहने से भी चलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये डीनेचुरेशन कैसे पता चला हमको कि हमने हीट किया तो डीनेचुरेशन कैसे पता चला कि दोनों मॉलिक्यूल्स टूट गए, ये कैसे पता चला? बिकॉज एक सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें डीएनए रखा है, वी हैव हीटेड इट एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये टूट गए। ठीक है, अब इसको क्या किया, हमने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें इसको डाल दिया, यहाँ पे एक लाइट होता है इसको पास किया, ये लाइट सोर्स जो है वो यूवी लाइट सोर्स है। मैम ये पैराग्राफ किस बुक से है? अच्छा, ये सब बेटा वॉटसन से, ये डायग्राम लेनिंजर का है, ये सब वॉटसन से, ये लेनिंजर से, ये लेनिंजर से, ये सब वॉटसन से, सारे सारा सारा ही वॉटसन से, सब कुछ एवरीथिंग ये लेनिंजर से, सब सब आज जो भी चीज़ पढ़ा रही हूँ सब वॉटसन से है, डायग्राम्स लेनिंजर से, लेनिंजर से, लेकिन डी एमिनेशन वाला जो भी कॉन्सेप्ट है और ये वाला लेनिंजर से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सब वॉटसन से। ठीक है, तो देखो, हाउ डिड वी नो या हाउ कैन वी नो कि डीएनए हैज डीनेचर्ड, कैसे होगा? तो फिर जब डीएनए को हम हीट करेंगे
और दो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देंगे. कहाँ मेरा पेन, कहाँ, हाँ, दो सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा वो. नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड दिस ट्यूब टू एंड मशीन और कॉल्ड अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. देर इज वन बल्ब, वहाँ पे एक बल्ब होता है विच इज यूवी, विच इज द सोर्स ऑफ यूवी रेज. ठीक है, तो इससे यूवी रेज निकलते हैं एंड दीज यूवी रेज पास थ्रू दैट ट्यूब. नाउ वॉट विल हैपन इफ दैट ट्यूब विल हैव सर्टेन मटेरियल्स विच कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट. अगर उस ट्यूब में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकेंगी तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, तो हाँ, ये देखा गया है कि डीएनए कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट अ वेवलेंथ ऑफ 260 नैनोमीटर. डीएनए वेवलेंथ का, अगर यूवी रेज का वेवलेंथ अगर 260 नैनोमीटर है तो अगर आपके सोल्यूशन में डीएनए है तो वो अब्जॉर्ब कर लेंगे. यहाँ पे यूवी रे हमें दिखेगा ही नहीं, यहाँ से पास तो करेंगे लेकिन यहाँ पे हमको दिखेगा नहीं, मतलब ये दोनों, ये डीएनए क्या हो गया, उसको अब्जॉर्ब कर लेंगे. ठीक है, कौन अब्जॉर्ब करेगा? द प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस, ये बात याद रखेंगे. प्यूरिन एंड पिरिमिडिन बेसिस दे विल अब्जॉर्ब यूवी रेज एट 260 नैनोमीटर. नाउ इफ द डीएनए इज डीनेचर्ड व्हाट विल हैपन? द अब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज. ठीक है, अच्छा देखो, एक फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वी हैव टेकन ए ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, नाउ वी हैव डिजॉल्व्ड लेट सपोज वन स्पून ऑफ शुगर. हमने एक ग्लास ऑफ पानी लिया, उसमें शुगर एक स्पून डिजॉल्व कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन? अब इसको तुम ऐसे करके उजाले में देखने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? इफ यू ट्राई टू सी इट नियर अ बल्ब व्हाट विल हैपन? यू विल सी अ क्लियर सोल्यूशन बिकॉज द अमाउंट ऑफ शुगर इज लेस. वहाँ पे शुगर कम है तो आप अगर उसको लाइट में देखने की कोशिश करोगे तो लाइट ज़्यादा पास कर जाएगा क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स कम है लाइट को ब्लॉक करने के लिए या अब्जॉर्ब करने के लिए. तो क्या होगा? लाइट आसानी से पास कर जाएगा. आप यही अगर एक ग्लास में 100 स्पून आपने ऐड कर दिए फॉर एग्जाम्पल, व्हाट विल हैपन? नाउ द लाइट विल नॉट बी एबल टू पास, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल सी व्हाट? द लाइट विल नॉट पास, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू विल नॉट सी बी एबल टू सी थ्रू दैट ग्लास. आप अगर उस ग्लास से देखने की कोशिश करेंगे 100 स्पून शुगर डालने के बाद में तो आप उसके थ्रू देख नहीं पाएंगे. क्यों? क्योंकि लाइट अब उससे पास ही नहीं हो पा रही है. ठीक है, वही होता है डीएनए के साथ में. डीएनए अगर डीनेचर हो जाता है तो क्या होता है? दोनों डीनेचर हो जाने से क्या हो जाता है? सारे बेसिस जो होते हैं वो जो पहले छुपे हुए थे दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, नाउ दे गेट एक्सपोज्ड. व्हाट विल हैपन देन? द एक्सपोज्ड बेसिस दे कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट मोर एज कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए. सो इफ यू टेक टू ग्लासेस या टू क्यूवेट, इसको क्यूवेट बोलते हैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाता है ना, उसको क्यूवेट बोलते हैं, सी यू वी ई डबल टी ई आई थिंक, क्यूवेट. ठीक है, क्यूवेट होता है. तो अगर आपने एक क्यूवेट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सोल्यूशन लिया है और एक क्यूवेट में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के सोल्यूशन को लेके आपने उसको हीट कर दिया है, देर इज वन क्यूवेट वेर देर इज हीटेड डबल स्टैंडर्ड हीटेड डीएनए एंड इन अनदर वन देर इज नॉर्मल डीएनए. द क्यूबेट विच यू हैव हीटेड विल हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, द डीएनए वुड हैव इज डी नेचर्ड ओवर देयर, बट इन अनदर क्यूबेट द डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. अगर आप ये दोनों डीएनए को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालेंगे तो क्या होगा? लाइट जो है वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, यूवी रेज कौन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा? जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के पास में क्या हो रहा है, जो बेसिस है दे आर एक्सपोज्ड नाउ, देयरफॉर एज अ रिजल्ट ऑफ विच After denaturation, the absorption of UV rays increases. But when it is double-stranded, the absorption of UV rays is less. This process, this phenomena is called as hyperchromicity. This phenomena is called as hyperchromicity. Chromicity मतलब color and hyper मतलब increase. So with denaturation, there is an increase in the amount of wavelength absorbed. ठीक है? यहाँ पर देखिए. ये वाला ग्राफ देखिए, सी ओवर हियर, ओवर हियर ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव टेम्परेचर, ऑन द वाई एक्सिस वी हैव, अच्छा ऑन द वाई एक्सिस वी हैव यूवी रे, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है यूवी रे एट 260 नैनोमीटर. तो यहाँ पे 260 नैनोमीटर पे यूवी है, यूवी रे है, और हमने डीएनए के स्ट्रैंड डीएनए का जो सोल्यूशन है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाला है. ठीक है, अब देखिए, जब डबल स्ट्रैंड था तो उसने कम एब्जॉर्ब किया, इतना ही एब्जॉर्ब किया. अब अचानक देखिए थोड़ा ये टीएम हो गया, मेल्टिंग टेम्परेचर,
द टेम्परेचर एट विच द डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टीएम. व्हाट इज टीएम? व्हाट इज टीएम? इट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर एट विच द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड. ठीक है, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री इज अवर मेल्टिंग टेम्परेचर. सी ओवर हियर, जब तक 100 डिग्री तक हीट नहीं किया था डीएनए स्ट्रैंड को, उसका एब्जॉर्प्शन कम था. जैसे वो मेल्टिंग टेम्परेचर के पास आया, दैट मीन्स जैसे उसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होना शुरू हुए, देर इज अ इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन. इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट इट बिकम्स स्टेबल बिकॉज देर आर नो मोर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड. तो अब उस सोल्यूशन में और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ही नहीं जो और एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए एक पर्टिकुलर राइज के बाद में देर इज स्टेबिलिटी. Now over here, this is double stranded and this is single stranded. This graph is called as denaturation curve of DNA. ठीक है, उससे पहले देखिए, DNA absorbs less ultraviolet light by 40%. Double stranded जब होता है तो वो 40% कम absorb करता है as compared to single stranded. This hyper तो क्या होता है, double stranded DNA it absorbs 40% less. सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इट अब्सॉर्ब्स 40% मोर, यू कैन से. सो व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, ध्यान दीजिए, व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिसिटी. ठीक है, नाउ आफ्टर रीएनिलेशन या आफ्टर रीएनिलिंग या रीनेचुरेशन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूवी रे एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिसिटी. सब when reannealing या रीनेचुरेशन हैज टेकन प्लेस, एट दैट टाइम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूवी रे अब्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिसिटी. व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड एट मेल्टिंग टेम्परेचर, there is a rise in UV ray absorption, that is called as hyperchromicity. Am I clear till now? Please tell me, am I clear? Shall I proceed? I have to introduce, main aur bhi do teen term introduce karne wali hu abhi. Am I clear till now? हाइपोक्रोमिसिटी, हाइपरक्रोमिसिटी, और ये बात याद रखेंगे, डीएनए यूवी रेस कौन एब्जॉर्ब करता है, तो नाइट्रोजेनियस बेसिस. डबल स्ट्रैंड होने से नाइट्रोजेनियस बेसिस छुपे हुए रहते हैं, इसके रीजन अभी समझाऊंगी क्लियरली. सिंगल स्ट्रैंड होने से दे गेट एक्सपोज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूवी एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस. इज एम आई क्लियर टिल नाउ? यस प्रियंका, थैंक यू. अभी तक हमने क्या देखा, व्हाट वी हैव सीन टिल डेट, यूवी रेज आर एब्जॉर्ब्ड बाय नाइट्रोजेनियस बेसिस. ओके, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, यस थैंक यू प्रिंसू, थैंक यू प्रियंका, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यूवी रे एब्जॉर्प्शन इज लेस व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, द नाइट्रोजेनियस बेसिस गेट एक्सपोज. मैं सारा रीजन बताऊंगी क्यों नाइट्रोजेनियस बेस एक्सपोज होने से क्या होता है, सब समझेंगे. अभी बस फैक्ट्स देखो, फिर रीजन देखेंगे. व्हाट विल हैपन? यूवी रे एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, बस इतना ही पढ़ा हमने. उसके बाद एक ग्राफ देखा, ठीक है. अब वो ग्राफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है. इफ वी प्लॉट द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डीएनए एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब इफ वी प्लॉट या इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डीएनए विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्जॉर्बेंस. धीरे धीरे एक एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए ऑन वाई एक्सिस, देन वॉट विल हैपन? द अब्जॉर्प्शन occurs abruptly, absorption occurs abruptly over a narrow range of temperature. ये narrow range of temperature में absorption increases abruptly, अचानक से बढ़ गया.
क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर लिया है और यहाँ पे क्या लिया है, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है वो देख लेते हैं, पहले ये क्लियर कर लेते हैं उसके बाद। तो इफ वी प्लॉट ऑप्टिकल डेंसिटी और एब्जॉर्बेंस ऑन द वाई एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन द एक्स एक्सिस, व्हाट विल हैपन, द एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए इंक्रीजेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर एब्रप्टली, अचानक से बढ़ जाता है, ओवरशूट हो जाता है, एंड आफ्टर दैट इट बिकम स्टेबल, क्योंकि आफ्टर दैट देर आर नो मोर डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, अभी एब्जॉर्बेंस क्या है वो देखते हैं, उससे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रांजिशन इज द मेल्टिंग पॉइंट और टीएम, ये वाला द मिड पॉइंट ऑफ दिस ट्रांजिशन इज मेल्टिंग पॉइंट और टीएम, द टेम्परेचर एट विच द डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। इट अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हाईली ऑर्डर्ड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर टू ए मच लेस ऑर्डर्ड इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स। एट टीएम व्हाट विल हैपन, द डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड, दैट इज हाईली ऑर्डर्ड डीएनए क्या हो जाता है, लेस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, लेस ऑर्डर्ड में, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब तक डबल स्टैंडर्ड है उसमें बहुत ऑर्डर है, मतलब उसके बीच में बहुत सब सारे बॉन्ड्स नॉर्मल है, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है तो क्या हो गया है, डबल स्टैंड्स, अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है हाईली ऑर्डर्ड। ओके प्रिंसू, मैं ध्यान रखूंगी, ठीक है, तो इसको कहा जाता है टीएम। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी, उसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है। देखिए एब्जॉर्बेंस मतलब क्या है, किस रेट में अब्जॉर्ब किया जा रहा है, या ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, व्हेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए गेट कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। इस ट्यूब में समझ लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है 10, सिंगल स्ट्रैंड होने से इस ट्यूब में सिंगल स्टैंडर्ड कितने हो जाएंगे, 20। सपोज देयर आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए केप्ट इन दिस ट्यूब, सो हाउ मेनी डबल स्टैंडर्ड डीएनए आई हैव टेकन, 10 फॉर एग्जाम्पल। आफ्टर डीनेचुरेशन होने के बाद में ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अब यहाँ पे कितने सिंगल स्टैंड्स हो जाएंगे, 20। तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब क्या है, ऑप्टिकल रिलेटेड टू लाइट, डेंसिटी मतलब अब उसमें अमाउंट बढ़ गया, मॉलिक्यूल बढ़ गया, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल बढ़ गया तो इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पे एब्जॉर्बेंस लिखा है, एब्जॉर्बेंस एट 260, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पे देखिए ये एब्जॉर्बेंस यहाँ पे किया गया है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी किया गया, देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, डबल स्टैंडर्ड है, इसलिए ओवर हियर द एब्जॉर्बेंस इज द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस बिकॉज इन आवर क्यूबेट वी आर हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सो ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस। एज If this is growing, this is also growing. यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पहुँच गए, वैसे यहाँ पे भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे we approach melting temperature, what will happen? The double stranded DNAs get converted into single strand. So optical density या absorbance increases. ठीक है, Now when it reaches to 260, अब इस point पे UV rays 260 पे अगर available है, so it will absorb more amount of that, so absorbance will be high at TM, this graph tells us this, am I clear? ठीक है, OD क्यों लेते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी, अच्छा बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी ये चेक करते हैं, तुमने देखा होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ऑप्टिकल डेंसिटी जो क्लियर वाटर का होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी है ही नहीं, और जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या हमारा जो भी सब्सटेंस हम डिसॉल्व करते हैं वो बढ़ते जाता है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ते जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब सिर्फ इतना ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ओडी जिसको बोलते हैं या एब्जॉर्बेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ओडी बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा, दोनों बात एक ही है, क्योंकि देखो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने से ओडी कम है, सिंगल स्टैंडर्ड होने से ओडी ज़्यादा हो गया, ऑप्टिकल डेंसिटी नाम से सोचो, ऑप्टिकल डेंसिटी OD सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूल का जो क्यूवेट है उसमें ज्यादा OD है एज कम्पेयर टू डबल स्टैंडर्ड, सो डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ यू हैव अ क्यूवेट हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए देयर एब्जॉर्बेंस इज लेस
because the number of molecules of purine pyrimidine are not exposed. So they will not absorb UV light. Double stranded DNA का purines pyrimidines बंद है, वो ज़्यादा UV light absorb नहीं कर सकते, उनका optical density कम है, double stranded है, number of molecules कम है, single हो जाने से number of molecules ज़्यादा है और वो absorb भी कम कर रहे हैं. ठीक है, तो clear हो गया इसमें, ये वाला सारा clear हो गया. ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ. रीनेचुरेशन कैसे होता है? तो रीनेचुरेशन occurs by a स्लो न्यूक्लिएशन प्रोसेस. इसमें क्या होता है समझ लीजिए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीनेचर करने से सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है. अब ये सिंगल स्टैंड होने से क्या होता है, पहले ये दे सर्च फॉर सम कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज. लेट्स सपोज ओवर दिस एरिया वी आर हैविंग सीक्वेंसेस ए सी सी एंड टी जी जी. व्हाट विल हैपन, एट फर्स्ट दीज विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. लेटर ऑन व्हाट विल हैपन, द अदर रीजन्स will re-anneal, will re-anneal या re-nature in a zipper-like fashion, in a zipper-like fashion. यहाँ पे लिखा है zipper-like fashion. zipper मतलब जो chain होती है ना, chain जब बंद करते हैं jeans में जो chain होती है, it is like a zip. if you put the zip on, what will happen, the two sides they come together very easily. So the renaturation process takes place by a slow nucleation process. इस एरिया में nucleation process हो रहा है. First the complementary strands, the complementary areas, they come to try to come together. After that the other areas they just come together like a zipper like fashion. ठीक है, इस वजह से renaturation या re-annealing हो जाती है. double stranded DNA तुरंत single strand में, single stranded DNA तुरंत double strand में, and hybrids भी बन जाते हैं. इस वजह से हम hybridization भी कर सकते हैं. and always remember DNA का DNA के साथ ही नहीं, DNA का RNA के साथ भी hybrid बन सकता है. ठीक है, हो गया. देखिए यहाँ पर double stranded DNA था, denaturation, single stranded, now both the strands are separated. Now what will happen, if they try to re-anneal, what will happen, it will go in the opposite direction. थोड़ा सा पहले जुड़ेगा, फिर ये वाला एरिया रह जाएगा, फिर ये भी जुड़ जाएगा, and we will have a double stranded DNA. ये डायग्राम मैंने उसे लिया है, लेनिंजर से. ठीक है, अच्छा प्रियंका राय, मैम denaturation process PCR में होती है? renaturation, yes PCR में, very good, PCR में होता है. ये एक reaction, एक example ले सकते हैं. PCR में क्या होता है, polymerase chain reaction में क्या होता है, हम एक हाई टेम्परेचर देके फर्स्ट वी डीनेचर द डीएनए, है ना, वी फर्स्ट डीनेचर द डीएनए. नाउ व्हाट विल हैपन, वी प्रोवाइड अ प्राइमर आल्सो इन द सैंपल. प्राइमर क्या करता है, अपने एरिया में आके लग जाता है, फिर क्या करता है वो, इसको देख के एक नया स्ट्रैंड बनाता है, इसको देख के नया स्ट्रैंड बनाता है, फिर ये दोनों रीनेचर हो जाते हैं, ये दोनों रीनेचर हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट साइकिल में क्या होता है, ये चारों डीनेचर होते हैं, फिर ये चारों में प्राइमर लगता है और इन चारों को फिर से बनाता है, फिर ये चारों रीनेचर होते हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल में इस तरह से हम अगर एक डीएनए लेते हैं, हमें बाद में बहुत सारे डीएनए मिल जाते हैं. प्राइमर पीसीआर में यही होता है. तो पीसीआर इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली ऑफ डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. ठीक है, तो इसके बाद द मेल्टिंग टेम्परेचर, अब एक नया पॉइंट और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो कि एक और क्वेश्चन है, विच इज अ मिथ विच यू ऑल थिंक, वाई जी सी areas of DNA are stable than AT. Mostly people answer क्या कि GC के बीच में triple bond है, AT के बीच में double bond है, but that is not the exact answer. That is just half part of the answer. Full part क्या है वो हम देखते हैं, और अब reason देखते हैं कि क्यों टूटने से, अलग होने से बढ़ जाता है absorption. देखते हैं, चलो. Okay. Let's suppose we are having two strands of DNA. Now what will happen? There are nitrogenous bases attached over here. These nitrogenous bases are what? They are interacting with each other by van der Waals interaction. Now I will explain the other types of bonds also. Now they are attached with each other by van der Waals forces. Okay? Now these van der Waals forces ka matlab kya hai? See, do force aur tum padhoge ya teen? मैं भी तीन वर्ड्स लिख लेती हूँ, तीनों समझा देती हूँ, फिर ये वाला स्लाइड समझाऊंगी. ठीक है, खाली स्लाइड देखना पड़ेगा जिसमें कम लिखा हो, रुको इसमें समझाती हूँ बाकी के तीन. टिल नाउ वी हैव सीन कोवालेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट पोलर कोवालेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवालेंट बॉन्ड. ठीक है, अभी हम तीन चीज़ों के बारे में और देखेंगे.
सुना होगा तुम लोगों ने, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस. डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस और यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थिंग्स? अगर ये पता है तो आई विल प्रोसीड, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री थिंग्स. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? डू यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थिंग्स? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीज थ्री? जल्दी जल्दी आंसर, फटाफट फटाफट मुझे आंसर कर दो. आंसर मी सुन सुन, जल्दी 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 जल्दी. फटाफट फटाफट बताओ बताओ, मैं फोन ही देख रही हूँ. ओके बच्चों बोलो, बता दीजिए. ओके चलिए, क्या है ये सी चीज़ें? सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. आपको पता होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, मैंने आज बताया पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है. लेट सपोज HCl वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, इन दिस बॉन्ड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू Cl. ओके, व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स Cl एज कम्पेयर टू H. Now this Cl will develop a slightly negative charge and this H will develop slightly positive charge. यही होता है ना polar covalent bond में, क्या होता है? जैसे कि H2O for example. O is more electronegative than H. क्या होगा? O electron pair को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, अब ये delta negative हो जाएगा, ये delta positive हो जाएगा, ये delta positive हो जाएगा. तो जब भी ऐसा कुछ होगा तब उसे कहा जाएगा polar covalent bond. ठीक है ना, जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा हमें क्या मिलेगा? डाइपोल मिलेगा. है ना, एक डाइपोल मिलेगा. अब इसी से डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है. क्या? एक HCl अगर दूसरे HCl के कांटेक्ट में अगर आ जाए तो क्या होगा? ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन आ जाएगा. This is our dipole dipole interaction. Simple. Dipole dipole interaction develop when two polar molecules come together. They interact by dipole dipole interaction. Am I clear? Am I clear? Dipole dipole क्या है? Am I clear? Now let's proceed. दूसरा मैंने क्या बोला? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. ध्यान से देखना, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसी को ही वैन डर वाल्स कहते हैं. या कह सकते हो कि वैन डर वाल्स के बहुत सारे टाइप हैं, जिनमें से एक टाइप है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जो बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, ये कब होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल. लिखो इसको अपने कॉपी में, अभी लिखो. लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और वैन डर वाल्स इंटरैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. इट कैन टेक प्लेस बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स और बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इन विच वन विल एक्ट एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल. अगर दो एटम के बीच में हो रहा है तो एक एटम काम करेगा एज एन इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अदर एटम विल एक्ट एज एन इंड्यूस्ड डाइपोल और उनके बीच में एक अट्रैक्शन आएगा. अब वो क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट सपोज वी आर हैविंग टू हीलियम एटम्स. ठीक है, हीलियम एटम्स है हमारे पास. ठीक है, इसके पास क्या है? हीलियम के पास में दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या सोचेंगे कि इसका ये न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिटल है और ये दोनों हाइड्रोजन हीलियम ना. हाँ, तो हीलियम का क्या है वो सोचे, हम क्या सोचेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन्स तो दो ही हैं, वो आसानी से रोटेट करेंगे, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास में, सब ठीक है. लेकिन क्या होता है बाय चांस, कभी कभी, ये मैंने बताया है, समटाइम्स व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस दे गैदर.
टुगेदर एट वन प्लेस। कभी कभी क्या होता है, ये घूमने के चक्कर में क्या करते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे आ जाएं। ये जो घूम रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये घूमते घूमते अगर एक ही जगह पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ये वैसे नॉन पोलर है, इसका कोई डाइपोल नहीं है, इसका कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होने से क्या हो गया, डाइपोल हो गया कि नहीं, डेल्टा नेगेटिव और ये एंड हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल बोलेंगे या नहीं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब अचानक से मोमेंटरली एक एटम में पोलैरिटी आ गई। अगर ड्यू टू दिस कंटिन्यूस रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाट विल हैपन, समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन मे गैदर टुगेदर एट वन प्लेस एट वन प्लेन एंड द अदर प्लेस कैन बिकम डी इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इससे क्या होगा, वो एरिया डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और वो एरिया डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। इसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और ये हर तरह के मॉलिक्यूल एटम में बन सकता है जो कि नॉन पोलर है, इसको गलती बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये शांत नहीं बैठेगा, अब ये क्या करेगा, इसके पास वाले हीलियम के पास जाएगा, इसके पास वाले हीलियम में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो ठीक है, लेकिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये कोशिश करेगा इसके न्यूक्लियस को अपने तरफ खींचने के लिए। तो समझ लो यहाँ पे और एक हीलियम एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होने लग जाएगा, और ये न्यूक्लियस और इसके बीच में होने से ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे गैदर हो जाएंगे डेल्टा नेगेटिव। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल, दिस इज अवर इंड्यूस्ड डाइपोल। This helium atom was a normal helium atom, but because of this instantaneous dipole, it has become an induced dipole. It has induced, it was induced to act as a dipole because the negatively charged delta negative portion of the previous helium atom attracted the electron of the next helium atom towards it. Ek attraction, halka attraction feel hua, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ रह जाते हैं एंड वो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और ये भी एक डाइपोल की तरह एक्ट करने लगता है। दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और वैन डर वाल्स फोर्सेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। यही होता है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन्स के बीच में, ये एक प्यूरिन है अगर समझ लीजिए, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये समझ लीजिए एक पायरिमिडिन है, ये एक समझ लीजिए प्यूरिन है, ठीक है। इनका कार्बोनिल एटम है, इनका अमोनिया ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो ये अमीनो ग्रुप कार्बोनिल एटम, इन सब का क्या होगा, इन सब का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन इनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास में होगा, बिकॉज दे आर लाइक वन अबव द अनदर। यहाँ पे दो हमारे स्ट्रैंड्स है, इसका नाइट्रोजीनियस बेसिस, your nitrogenous bases, they are stacked upon one another, they are kept above one another, what will happen as a result of which, as a result of which these atoms which make the purines and pyrimidines, purines pyrimidines jin atoms ki wajah se bane hain, unke beech mein interaction hone lag jayega, ye interaction london dispersion forces ya van der waals forces, this is a momentary interaction because of the electron cloud, ye electron cloud hai na yahan pe jo hai, this is electron cloud, इसकी वजह से उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन एंड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल किसके किसके बीच में हो जाएगा, ये NH2 के बीच में, कार्बोनिल ग्रुप का एक ऊपर वाले का कार्बोनिल ग्रुप या NH2, तो जो पोलर एटम्स हैं नाइट्रोजेनियस बेसिस के बीच में, उनके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज आ जाएगा, और नॉन पोलर जो है उनके बीच में सॉरी जो पोलर है उनके बीच में आ जाएगा डाइपोल डाइपोल, और जो नॉन पोलर है उनके बीच में आ जाएगा वैन डर वाल्स इंटरैक्शन या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर वेरी वीक, जो हमारा प्यूरिन पिरिमिडिन है ये खाली नॉन पोलर एटम से नहीं बना है, इनमें कुछ एटम्स पोलर भी हैं, है ना, ये इन जनरल नॉन पोलर है, ये बात याद रखना, इन जनरल दे आर नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, बट देर आर सम रीजियंस विच आर हाइड्रोफिलिक। तो द इंटरैक्शन बिटवीन द पोलर एटम्स इज leads to dipole-dipole interaction. The interaction between non-polar molecules lead to London dispersion forces and or van der Waals interaction. So, when their bases are stacked upon each other, they are having stacking interaction which includes van der Waals forces and dipole-dipole interaction. Because of which, what happens? They are kept away from water. अब क्या होता है? वो दोनों स्ट्रैंड के अंदर में इस तरह से छुप जाते हैं. उनके बीच में इतने strong उनके बीच में bonding हो रही है.
एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके ऊपर से यहाँ पे लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, वैंडरवाल्स फोर्सेस है। अब क्या हो रहा है, वो ये बॉन्ड, ये जो बैकबोन है उसकी वजह से छुप गए हैं। अब क्या हो रहा है, वाटर से वो छुप गए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या होता है, ऐसा होने से क्या हो गया, वो वाटर से दूर हो गए, पानी उनके पास नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इनको पानी से दूर रखना है, तभी ना हमारा डीएनए हमारे सेल के पानी में रहेगा। तो हमारा डीएनए हमारे सेल में जो साइटोप्लाज्म में जो वाटर है या न्यूक्लियस में जो वाटर है उसमें तभी रह पाएगा जब उसके हाइड्रोफोबिक जो रीजन्स है उसे पानी से दूर रखा जाए। पानी से कैसे दूर रखा जाएगा, क्योंकि वो स्टैकिंग इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो क्या होगा, उन्हें पानी से दूर हो जाएंगे वो लोग, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो आसानी से पानी में रह पाएंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन के बीच में होता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस किसके बीच में होता है, एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में। वैन डर वाल्स इंटरेक्शन किसके बीच में होता है, एक बेस पेयर एंड दूसरे बेस पेयर के बीच में। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक बेस और दूसरे बेस के बीच में होता है, बेस पेयर बनाने के लिए। ठीक है ना, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वीक इंटरेक्शन इन बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। ओके प्रिंसू, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपको समझ में आएगा, मैं ऐसा ही बात करूंगी, डोंट वरी प्लीज। ठीक है, तो दोनों के बीच में दोनों बेस पेयर्स, दोनों बेसेस को हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, बेस पेयर बनाता है। देन बोथ द बेस पेयर्स क्या है, स्टैक है एक दूसरे के ऊपर, बिकॉज ऑफ विच देर इज स्टैकिंग इंटरेक्शन। स्टैकिंग इंटरेक्शन मीन्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। इस वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाता है, एक क्लस्टर बना लेता है और वो पानी को दूर रख देता है। एम आई क्लियर, ये चार चीज़ें क्लियर हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन बेसिस टू फॉर्म बेस पेयर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड सॉरी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन बेस पेयर्स विच इज कॉल्ड एज स्टैकिंग इंटरेक्शन, देन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इससे ये डीएनए जो है हमारा स्टेबल हो गया, पानी से दूर हो गया और अच्छे से रह रहा है। अब जब हमने हीट किया, क्या कर दिया, हीट करने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया। ठीक है, स्टैकिंग इंटरेक्शन अब हो नहीं रहा है, इस वजह से सारा नाइट्रोजनियस बेसिस फ्री हो गए। अब वो आसानी से यूवी रेज को अब्सॉर्ब करेंगे, ना कि डबल स्टैंडर्ड में केस में। एम आई क्लियर, मैं क्या क्लियर हूँ, क्या मैं क्लियर हूँ, तो मैं इसके बाद और एक पॉइंट बताऊंगी। जल्दी से मैसेज कर दो, जल्दी से, जल्दी 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 फटाफट फटाफट मैसेज करो, मैसेज हो गया सबका, यहाँ तक सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट है, क्या क्या पढ़ा, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन, बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन किसकी वजह से है, डाइपोल डाइपोल, वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या ये सब क्लियर है, क्या ये सब क्लियर है, क्या ये सब क्लियर है, जल्दी आंसर करो जल्दी, नहीं तो मैं समझूंगी किसी को समझ ही नहीं आया, फटाफट फटाफट। देखो मेरा गला बैठने लग गया इतना चिल्लाने की वजह से, जल्दी बोलो, आया सबको समझ में, आया सबको समझ में आंसर में, ठीक है। इसी स्टैकिंग इंटरेक्शन में, ओके थैंक यू प्रिंसू, इसी स्टैकिंग इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, स्टैकिंग इंटरेक्शन किसके किसकी वजह से हुआ, डाइपोल वैंडर, इन्हीं की वजह से जीसी पेयरिंग जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू एटी, क्योंकि जीसी के बीच में ये जीसी एक है, ये जीसी इसके ऊपर वाले के साथ में, या तो एटी होगा या जीसी कुछ भी हो सकता है, उसके साथ में ज़्यादा अच्छा स्टैकिंग इंटरेक्शन कर पाता है जीसी। इस वजह से जीसी ज़्यादा स्टेबल है, और सेकेंड पॉइंट है उसके बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए जीसी जिस रीजन में होता है डीएनए के वो रीजन ज़्यादा स्टेबल होता है, वो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एटी। ठीक है, आ गया समझ में, यही मैं आपको समझाना चाहती थी आज, ये रीजन्स, कुछ रीजन्स हमने आज क्लियर किए। ठीक है, ठीक है, ओके
ओके प्रिंसु थैंक यू, ये मेरे को कुछ रीजंस बताने थे, ठीक है। तो अब इसके बाद में और ये दो स्लाइड रह गए, ये मैं कल क्लास में करूँगी। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो गया आज, तो कल हम मिलते हैं शाम को 7 बजे। अच्छा, कल मेरी ऐप पे क्लास है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी की। टाइम नोटिफाई कर दिया जाएगा, टाइम मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कल शाम को 7 बजे क्लास करेंगे। कल ऐप पे क्लास है, तो आप लोग आएंगे वहाँ पे क्लास करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। क्लास ख़त्म होने से पहले अब मैं डेली एक अच्छी बात बोलने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आ सके, अच्छा चेंज आ सके। आज की क्लास के बाद में मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आसपास में जो भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, डॉग, काउ, जो भी आपको दिखते हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखिए, उनको खाना दीजिए। एक ही पैकेट बिस्किट का आप बना लीजिए कि मैं हर 2 दिन में या हर 1 दिन में कुत्ते को खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, या गाय को या किसी को भी जो भी आसपास में है आप उसको खिलाइए, क्योंकि लॉकडाउन है बहुत सारी जगहों पर, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखिए। आज की क्लास में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ। और जो जिनसे आप सामान खरीदते हैं उनसे और वो मत कीजिए, मोल भाव मत कीजिए, क्योंकि दुकानें बंद हैं, सबको इनकम की प्रॉब्लम है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, पैसों की कमी नहीं है, तो प्लीज़ इस तरह से सोसाइटी को थोड़ा हेल्प कीजिए इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो अगली क्लास में हम ये दोनों स्लाइड से स्टार्ट करेंगे फिर से। तो आज हमने देखा बहुत कुछ, हमने देखा डिएमिनेशन क्या होता है, हमने देखा कि डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि आरएनए कैसे ब्रेक होता है अल्कलाइन मीडियम, ये सारी चीज़ें देखी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू प्रिंसू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।